नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 12 फरवरी 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि में ग्यारह बजकर के उनतालीस मिनट तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है दिन में ग्यारह बजकर के छियालीस मिनट तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है।, है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहु काल का समय दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बजकर के तीस मिनट तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया कार्य काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज सर्वार्थ सिद्ध योग है दिन में ग्यारह बजकर के छियालीस मिनट के बाद पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और साथ ही साथ आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी है भगवान गणेश की आराधना और उनकी आराधना करने से सभी प्रकार के संकटों से कष्टों से विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है स्वप्न विज्ञान अपने आप में बड़ा ही अद्भुत अनोखा रहस्यात्मक और आनंददायी भी है एक ऐसा स्वप्न अगर आपको आ रहा है आजकल या आपने देखा तो समझ लीजिए शीघ्र ही आपका भाग्योदय होने जा रहा है शीघ्र ही भाग्योदय कराने वाला होता है यह स्वप्न कौन सा है यह स्वप्न जानेंगे इस स्वप्न के बारे में आज दिव्य महाप्रयोग में तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्तुतियों की राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा का संचरण कन्या राशि में है गुरु केतु और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और साथ ही साथ बुद्ध कुंभ राशि में तो शुक्र का संचरण मीन राशि में जारी है योग गोचर में शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से और गुरु चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से बन रहा है हालांकि यह चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित भी कहे जाएंगे पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण बहुत हद तक उसमें कमी अवश्य आएगी तो यह है ग्रह स्तुति इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो ने दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं स्वप्न में अगर आप अपने आप को रोते हुए देखें तो यह शीघ्र ही भाग्योदय का सूचक है यानी स्वप्न में अपने आप को रोता हुआ देखना बहुत बढ़िया है कारण चाहे जो भी हो आप जिस कारण से भी स्वप्न में रो रहे हो यह शीघ्र सूचना दे रहा है कि आपका साथ देने वाला है आपका भाग्य भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे शीघ्र भाग्योदय होगा चलते हैं राशिफल की और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से ष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं हालांकि गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं पर फिर भी जरा आपको सावधान रहना होगा आपको अपना व्यवहार आज सकारात्मक रखना होगा और कार्यस्थल पर बसने बस अपने काम से ही काम रखें काम पर ध्यान दें समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है हालांकि अगर आप शांति और धैर्य का परिचय देते हैं तो दिन सुखद निकल जाएगा कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है आज आपके जो भी शुभ चिंतक हैं जो आपके हितैषी हैं अगर आपको सलाह देते हैं तो उसे मान लेने में ही भलाई है कार्यस्थल हो या व्यापार स्थल दोनों ही जगहों पर सहयोग मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है जिससे मन आपका खुश रहेगा और बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दीजिए हिम्मत बना करके रखिए सफलता मिलेगी आज धन उधार मत दीजिएगा वैसे भी बुधवार को पैसे नहीं देने चाहिए नहीं तो दिया हुआ पैसा लौट कर नहीं आता और जिसको भी आप ऋण दे देते हैं वो बंदा कभी लौटा नहीं सकता आज प्रेमी के साथ बहुत बढ़िया समय बीतेगा और दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी परेशानी रहेगी जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है विद्यार्थियों के लिए दिन सिर्फ मेहनत भरा रहेगा यानी परिणाम बहुत बेहतर नहीं मिलने वाले हैं जैसे परिणाम की आपको अपेक्षा है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दिन भाग दौड़ दौड़ भरा होने के कारण बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत थकान महसूस आपको हो सकता है आराम करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा गणेश जी के शरण में आइए और गणेश अथर्वर्ष का पाठ करिए लकी अंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए जामुनी और आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज पैसा मत लगाइएगा शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है वृषभ की बात कर लें तो आज किसी नए विषय में नए कार्य में आप हाथ आजमाएंगे और उसमें सफल हो जाएंगे परिवार में पूर्व से चली आ रही कोई अनबन है कोई समस्या है तो आज वो खत्म हो जाने वाली है जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद तकरार परेशानी है तो आज वो दूर हो जाएगी अगर आप प्रयत्न करें नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बदलाव लेकर के आ रहा है बदलाव होने जा रहा है किसी भी प्रकार का बदलाव होगा यह बदलाव आपके पक्ष में ही जाएगा निश्चिंत रहिए और आज आप अपनी योजना अपने मित्रों को अवश्य बताइए उनसे इस पर डिस्कस करिए आपको फायदा मिलेगा व्यापारियों के लिए दिन शुभ है फैसला बड़ा अगर है तो आप लीजिए किसी से राय लेकर के लीजिए बड़ा फैसला लेना आज आपके लिए बढ़िया हो सकता है फायदा उससे मिलेगा बस पैसों के लेन देन में आज किसी भी प्रकार की लापरवाही आपसे नहीं होने वाली है और लव लाइफ में आज का दिन मिला जुला रहने वाला है बस किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए जीवन साथी से खुशी मिल सकती है अगर आप जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाएं और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन पढ़ाई में कम लगेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी ज्यादा होने वाली है पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं फलस्वरूप मानसिक अशांति भी होगी आज आप किसी गरीब को जरूरतमंद को हो सके तो कुछ वस्त्र दान करिए सफेद वस्त्र अगर आप दान करें तो आपको फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए साथ लकी कलर भूरा और शेयर मार्केट में निवेश ग्यारह बजे से बारह बजे के बीच कभी भी करिए फायदा मिलेगा मिथुन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको आत्मविश्वास बना करके रखना होगा विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा ज्यादातर समस्याएं अपने आप ही हल हो जाने वाली हैं समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा

कार्य क्षेत्र से जुड़ा व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है अनुभवी की सलाह से लीजिएगा और कार्यस्थल पर आज किसी का भी विरोध मत करिएगा मुश्किल हो जाएगा प्रेम का जवाब प्रेम से मिलने वाला है प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज करिए नए संबंधों की शुरुआत हो जाएगी नए संबंध की शुरुआत होगी और दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया मेहनत का पूरा पूरा परिणाम मिलने वाला है और नाक और कान से संबंधित कोई समस्या न हो इसका ख्याल रखिए समस्या हो सकती है आज गाय को दूरवा खिलाना और या फिर गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूरवा अर्पित करना आपके लिए फायदेमंद होगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर मैजेंटा और शेयर मार्केट में निवेश आप ग्यारह से बारह के बीच करिए कर्क के लिए देखा जाए तो दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है विशेषकर पैसों के संबंध में कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली यानी धन आगमन की सूचना मिल रही है आप इस बारे में अगर आप देखें तो और भी कार्य क्षेत्र में भी सफलता और जो भी काम आपके बनने वाले हों से पूर्व किसी से भी इस बात की चर्चा मत करिए अपने काम की चर्चा मत करिए नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है कार्यस्थल पर आपके सारे महत्वपूर्ण तो कार्य बनने के योग बन रहे हैं तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया परंतु ज्यादा कमाने के लोभ में आकर आज शेयर मार्केट में आप पैसा नुकसान कर बैठेंगे सो शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिए पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही आज आपको नहीं करनी और विशेष रूप से निवेश के मामले में नहीं तो नुकसान पक्का है लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजारिए अच्छा रहेगा आपके लिए दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तूतूमय -तू मैं और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सहयोग न मिलने से आप परेशान हो सकते हैं दिन बहुत अच्छा नहीं है नींद की कमी और थकान से आंखों में परेशानी आंखों में जलन की शिकायत आपको हो सकती है आज गरीब बच्चे को दूध अगर आप पिलाएं या दूध का दान दें तो आपको फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए पांच लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और की अगर हम बात कर लें तो सकारात्मक विचार उत्साह धैर्य ईमानदारी ये चारों चीजें आपके लिए आज बहुत जरूरी हैं इनके साथ आगे बढ़िएगा दिन बहुत अच्छा बीतेगा कोशिश करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आप बड़ी आसानी से आज आप निपटा लेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है जो भी कार्यस्थल पर अधिकारी हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा अधिकारियों का सहयोग मिलेगा सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूरे होने वाले हैं धन लाभ के भी योग बन रहे हैं तो बात अगर व्यापारियों की कर लें तो आज भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है भाग्य से आपके काम बनेंगे निवेश से आपको लाभ मिलेगा भविष्य को लेकर के नई योजनाएं बनेंगी और आज कड़वी वाणी का प्रयोग आपको मुश्किल में डालेगा सो कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए लव लाइफ बिल्कुल अच्छी रहने वाली है जीवन साथी से प्यार और सुख दोनों मिलेगा तो वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और सेहत का दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत बहुत अच्छी है आंखों का बस ख्याल रखिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर सिंदूरी और शेयर मार्केट में निवेश दस बजे से बारह बजे के बीच कभी भी करिए फायदा मिलेगा कन्या की हम बात कर लेते हैं किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही कोई महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण कदम आपको उठाना है लाभ मिलेगा आप सफल होंगे रुके हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं और नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है आज आपसे गलती हो सकती है और इस गलती का नुकसान भी होगा नौकरी में ट्रांसफर की सूचना जल्द ही आपको मिलने वाली है हालांकि एक बात बता दूं यह ट्रांसफर पदोन्नति के साथ होने वाला है व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है लाभ मिलने वाला है लाभ के योग बन रहे हैं और आज आप किसी से उधार मत लीजिएगा और बिन मांगी सलाह मत दीजिएगा दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है प्रेम संबंध में विवाद के योग बन रहे हैं तो वहीं जो लोग अविवाहित हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आज विवाह का प्रपोजल मत भेजिएगा सामने से अस्वीकृति आएगी विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिए जो भी समय आपको पढ़ाई के लिए मिला है उसे इधर उधर बिल्कुल मत भूख न लगना नींद की कमी और इससे कमजोरी आ जाना आज स्वाभाविक दिखाई पड़ता है गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूरबा अर्पित करिए और ओम गंग न इस मंत्र का जब करिए लकी अंक आपके लिए आज छह लकी कलर आपके लिए आज लाल है और शेयर मार्केट में निवेश ग्यारह से बारह के बीच तुला की बात कर लूं तो आत्मविश्वास के साथ लगभग हर काम आप करेंगे और लगभग हर चुनौती से आप निपटेंगे यानी सफलता मिलेगी चूंकि दिन परेशानियों से जूझाने वाला है परेशानी आपको देगा पर फिर भी आप समस्या से बाहर निकल आएंगे काम करने की इच्छा नहीं है तो भी आपको काम में लगना होगा परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाना होगा कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी मिलने वाली है परंतु जो साथ के लोग हैं वो परेशानी का कारण बन जाएंगे व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन लाभदायक रहने वाला है लाभदायी यात्रा के योग बन रहे हैं और आज आपकी कोई पुरानी प्लानिंग ही आपको धन लाभ करवा दे सकती है सो धन लाभ के लिए तैयार रहिए आज आप अपनी किसी भी योजना को किसी से भी शेयर मत कर बैठिएगा नहीं तो नुकसान होगा जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है जीवन साथी के साथ समय बीतेगा और प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं तो ही विद्यार्थियों के लिए बता दूं आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है कैंपस में आपका समय बिल्कुल खराब होने वाला है इधर उधर के चीजों में ही आज, आज आपका पूरा दिन व्यर्थ हो जाएगा सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं चोट लगने की घटना हो सकती है सावधान रहिएगा आज श्रीसुक्त का एक पाठ अवश्य करिए लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए मैरून और शेयर मार्केट में निवेश आज आपको नहीं करना है वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है अगर कोई आपका मामला जो न्यायालय में चल रहा है वहां पर विजय मिलने की संभावना बन रही है मन आज आपका प्रश्न रहेगा आर्थिक परेशानियों का हल होने जा रहा है निराकरण हो जाएगा और नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बॉस आपके काम से आज खुश हो जाएंगे कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है और नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो दिन बिल्कुल आज आपका बहुत बढ़िया है नई नौकरी मिलेगी तो वहीं व्यापारियों के लिए देखें तो दिन बहुत अच्छा व्यापार का विस्तार करने के लिए नया निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जो भी फैसला आप लेंगे पूरे मन से लीजिए आपको फायदा अवश्य मिलेगा रुका हुआ पैसा आने से परेशानी दूर हो जाएगी और किसी भी बात को आज तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिएगा घुमा फिराकर कहने की जगह सीधा सीधा कहिए लव लाइफ संतुष्टिजन्य तालमेल बना रहेगा दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और विद्यार्थियों को दे

अपने निवास स्थल से या दूर से यानी विदेश से परदेश से धन कमाने का योग बन रहा है नौकरी में है और उसमें बदलाव का मन बना रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है आज आपका कोई मित्र आपकी मदद कर सकता है आपका कोई रिश्तेदार मददगार साबित हो सकता है जिससे नौकरी में बदलाव हो जाए नौकरी और व्यापार दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है मन लगा रहेगा काम धंधा भी बहुत बढ़िया रहने वाला है घर का माहौल भी बड़ा खुशनुमा रहने वाला है बस एक बात ध्यान रखिए अगर आप नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर किसी से भी बहस मत करिएगा और प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बहुत अच्छा है कहीं बाहर घूमने आप जा सकते हैं और अविवाहितों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है किसी को विवाह का प्रपोजल भेजने वाले हैं तो भेजिए फायदा मिलेगा विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता मन पढ़ाई में आज कम लगेगा पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश में ही आज दिन चला जाएगा और दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का आपको प्रयत्न करना होगा सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी पुरानी परेशानियां पुराने रोग खत्म हो जाएंगे आज पीले वस्त्र का दान गणेश जी के मंदिर में करिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर कई और शेयर मार्केट में निवेश बारह से दो के बीच कभी भी करिएगा तो आपको आज फायदा मिलेगा मकर की बात कर ले तो सावधानी से कार्य करना होगा हर कार्य की समीक्षा करना होगा पैसों के मामले में आज आपको दूसरों की सलाह पर नहीं चलना है वरण अपने मन की सुनिए आज आपका कोई करीबी दोस्त आपसे धन मांग सकता है जिसे बड़े प्रेम से आज, आज आपको मना करना होगा कार्य क्षेत्र में पुरस्कार और सम्मान दोनों मिलने वाला है व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है रुका हुआ पैसा वापस मिलने से काम में तेजी आ जाएगी प्रगति की सूचना मिल रही है और आज किसी भी बात को लेकर के जिद्द मत करिए जिद्द में पड़ करके केवल मुश्किल में पड़ेंगे लव लाइफ की बात कर लूं तो प्रेमी के साथ प्यार से पेश आइए वाद विवाद से बचिए नहीं तो संबंधों में खटास आ जाएगा दाम्पत्य जीवन सुखद है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग खत्म हो जाएंगे आज भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए लकी अंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए गुलाबी और शेयर मार्केट में निवेश ग्यारह से बारह के बीच कुंभ राशि की बात कर ले तो आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है आप सकारात्मक रहिए जो भी आपसे मिलेगा आपके सामने आएगा वो खुश हो जाएगा आज आपके सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं ऑफिस में मेहनत की अधिकता बनी रहेगी परंतु नौकरी में प्रगति के योग बन रहे हैं और वही नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नया काम आपको जल्द ही मिल जाएगा इंटरव्यू देने के लिए समय बहुत बढ़िया है और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन है नया निवेश आज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा सो विचार करिए और निवेश करिए आलस्य के कारण आज आपके काम बिगड़ेंगे जल्दबाजी में मत पड़िए आलस्य मत करिए और अपने काम को कल पर मत टालिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है जीवन में मतभेद हो सकता है जरा विद्यार्थियों के लिए देखें तो दिन बिल्कुल सफलता है, सफलता दिलाने वाला है। अगर आज कर देते हैं, तो बड़े नुकसान से बच जाएंगे और बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आलस्य नहीं होगा लतियंक आपके लिए पांच लकी कलर के शरिया और शेयर मार्केट में निवेश आज न करिए अच्छा रहेगा मीन की अगर हम बात कर लें तो पूर्व से चली आ रही जितनी भी समस्याएं हैं आज आपको उसका सकारात्मक और संतोषजनक समाधान मिल जाएगा ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको मजबूत बना रही है कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलेगा उसका फायदा मिलेगा आपको क्योंकि आज आप जितने भी काम कर रहे हैं पिछले जितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं यूं समझ लीजिए कि सबको जोड़कर आपको उसका फायदा मिलने वाला है कार्यस्थल पर आज आपका प्रदर्शन बड़ा ही बेहतर रहने वाला है व्यापार में आज आपको फायदा होने वाला है तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार को लेकर के छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है बस अपनी बात मनवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का जिद्द नहीं करना है किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना है नहीं तो ज्यादा दबाव डालेंगे रिश्ता खराब होगा लव लाइफ की बात कर लू तो आज आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है जीवन साथी से सुख और खुशियां मिलेंगी विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है नए दोस्त बनेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा दिन है सफलता मिलेगी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन परंतु प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है जरा सावधान रहिए अपना ध्यान रखिए राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करिए लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर हरा और शेयर मार्केट में निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार